आज की इस सभा में मौजूद माननीय अशोक भारती जी, तमाम सम्मानित मंच और आगे बैठे हुए तमाम साथियों, कुछ दिनों पहले मैं ये एक एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक पुस्तक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जो 1936 में छपी थी और इसमें अब इसको दोबारा से अरुंधति रॉय ने इस पर कुछ और चर्चा, कुछ और चैप्टर जोड़ करके लिखा है। कुछ दो चार चीजें आप सब लोगों की आज्ञा हो तो मैं इसमें से आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। ये कहती है कि कुछ समय पहले फोर्ब्स एक मैगजीन आती है जो अमीरों की लिस्ट छापती है, क्योंकि सारी लड़ाई मित्रों संसाधनों पे कब्जे की है। यदि आपके पास संसाधन है तो आप मजबूत है, संसाधन है आप सत्ता में है, पर आपके पास यदि संसाधन नहीं है तो ना तो कोई आपकी आवाज सुनने को तैयार है, ना आप कभी सरकार में हो सकते हैं, और आपके साथ जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, इस प्रकार के अन्याय लगातार चलेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा कि डॉलर बिलियनियर्स यानी ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में कितने हैं जिनके पास 6,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसे 55 जो है लोग पाए गए हिंदुस्तान के, और इसमें से मुख्य रूप से बनिए ब्राह्मण सवर्ण, और अफसोस के साथ एक भी दलित, एक भी ओबीसी इस लिस्ट में नहीं था, पहली बात। दूसरा इन्होंने जो है एक चीज और बताई है इसमें, 1990 में खुशवंत सिंह जो एक मशहूर लेखक थे, उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल में अपने के ब्राह्मणों की क्या ताकत है इस देश में। वो लिखते हैं कि लगभग 3-3.5% ब्राह्मण इस देश में है, लेकिन यदि आप देखें 70% बड़ी ताकत वाली जो नौकरियां हैं, जो आईएएस आईपीएस और तमाम जो ऊपर के जॉब है, उनमें 70% जो है ब्राह्मण विराजमान है। और इन्होंने तमाम उदाहरण दिया है कि डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर 500 में से 310 ब्राह्मण, चीफ सेक्रेटरी में से 26 राज्य होते थे 19 ब्राह्मण, जो गवर्नर है उस 27 में से 13 ब्राह्मण, हाई कोर्ट के जजों में देखें तो 330 में से जो 166 ब्राह्मण, इसी तरह राजदूतों में जो है आधे से ज्यादा ब्राह्मण, और 3300 आईएएस अफसर जो उस वक्त होते थे उसमें से लगभग 2400 ब्राह्मण। यह स्थिति है, यानी बनियों ने कब्जा कर लिया आपके अर्थतंत्र पर, और ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया आपके जो है तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार की ताकत है उसके ऊपर। अब तीसरी चीज इन्होंने और जो बताई है उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि अखबार आवाज किसकी जाएगी, जनता के बीच में मुद्दे कौन से जाएंगे। उसमें इन्होंने कहा कि 315 बड़े पत्रकार, उनका जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि 90% अपर कास्ट से हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, प्रिंट में, और उसमें से एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। 4% जिनको शूद्र कहते हैं वो है, और 2-3% जो है मुसलमान है। तो यह स्थिति क्यों आई, जबकि अभी मैं सुन रहा था और हर सभा में यह बात आती है कि सब हम 85% है। आर्टिकल 15(4) संविधान का आप निकालें, यह गलती हमारी भी है। बाबा साहब ने 3 लोगों को एक बेंच में बिठाया था, 15(4) ये कहता है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान उनके उत्थान के लिए करने का अधिकार सरकार को होगा। 3 लोग जो पिछड़े माने उन्होंने या समाज से नीचे माने उन्होंने, कौन कौन, एससी एसटी और ओबीसी, एक बेंच पे बिठा दिए। हमने उसका क्या किया, हमने उस बेंच में से एक स्टूल बना दिया, ओबीसी को अलग कर दिया, और दलित नाम से हम एससी एसटी को लेकर के जा रहे हैं। आज की तारीख में 22.5% आरक्षण है, हम क्लेम करते हैं कि भाई ठीक है हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, हम 25% हो गए होंगे, क्या 25% से सरकार बन जाएगी।
तो जो बाबा साहब अंबेडकर ने तीसरा व्यक्ति आपके साथ ओबीसी बिठाया था, जो तमाम किसान जातियां बिठाई थी, उनको जब तक हम, और जिनकी संख्या लगभग 55-60% है, 60% वो और 25% जो है दलित, तब बनते हैं 85%। तो जब हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे या वो हमें अपने साथ नहीं लेंगे, तब तक जो ये हमारा सपना है, जो बाबा साहब का भी सपना था, क्योंकि जब तक आपके हाथ में सत्ता की कुंजी ही नहीं होगी तो बैठे रहेंगे पीछे, कोई सुनवाई नहीं होगी। और मुझे तो अशोक जी, मैं देख रहा था, मैं अनेक सभाओं में रहता हूं, बड़ी कमजोर आवाज में लोग बोल रहे थे, आपके जितने भी वक्ता है, मुझे तो ये लगा था भाई क्या बात है, इसका मतलब 70 साल बाद बोलने की क्षमता भी दलित में नहीं आई, उसमें कोई जोश नहीं था, ठंडे होंगे बोल रहे। इस स्थिति को कहीं ना कहीं हमें बदलना होगा। बाबा साहब की बात को याद करो और SC ST OBC तीनों एकजुट हो जाओ, तब आप जाकर के जो है 85% संसाधनों पे कब्जा कर सकते हो। उसमें कब्जा जो होगा वो केवल ये नहीं होगा भाई हमारा SC ST का हो गया साहब गवर्नमेंट में आरक्षण, हमारा हो गया साहब MLA MP में आरक्षण बहुत है, नहीं, सबका 85% अनुपात में, मतलब जनसंख्या के अनुपात में जुडिशरी भाग क्यों है, SC ST की तरह जो है OBC को भी जो है लोकसभा विधानसभा में आरक्षण क्यों नहीं है। और जो प्रमोशन में और ऊपर के जो जॉब है, मैं भी देख रहा था जो सेक्रेटरी लेवल के लोग है उसमें तो 2-3% भी नहीं है, 2-3% भी शायद ना हो, 2-3% ओबीसी जो सेक्रेटरी लेवल पे जो टॉप लेवल का अधिकारी होता है जो सारी योजनाओं को पास करता बनाता है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आरक्षण और संसाधन और सरकार पे कब्जा करना है तो सबको एकजुट होना होगा, याद दिलाना होगा कि एक बेंच पे बाबा साहब बिठा के गए हम तीनों को, हम तीनों भाई है, हम तीनों अलग अलग नहीं है, जब तक हम तीनों एक साथ आकर के नहीं बैठेंगे तब तक ताकत नहीं बनेगी, क्योंकि आप 25% कभी भी 75% में भारी लोकतंत्र पे नहीं पड़ पाओगे। तो इसी विचार के साथ और इसी निवेदन के साथ आपने मुझे यहाँ पर अशोक भारती जी ने यहाँ निमंत्रण दिया, आप सब लोग यहाँ आए और मुझे मौका दिया, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। We'll be right back.